राम राम भाई, सारे भाइयों ने आपका भाई सुंदर दिनों दिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों, दो तीन दिन के बाद हुई है कि एक गाना था बड़ा ट्रेंडिंग में चला, पूरा अपने हिंदुस्तान में ट्रेंडिंग में पूछ गया था, लेकिन नज़र लगी किसे की और नज़र भी इसे की लगी, गाना है वो डिलीट हो गया। गाया किसने? विश्वजीत चौधरी, जो कि भाई आज हरियाणा ने ऊपर उठान खातर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा जोर लगा रहे हैं और म्यूजिक दिया है भाई गुलशन भाई ने। तो आज बात करांगे, कुछ हमला होया इनके ऊपर, हमला क्यों होया, गाना डिलीट क्यों होया, कौन है, कित हमला होया, तो सारी बात करांगे। आ जाओ भाई साहब। राम राम। राम राम भाई साहब। राम राम। राम राम भाई। राम राम भाई सारे सब ने। राम राम जो भी चैनल देख ला रहे हो सब ने बात जोड़ के राम राम मारी भाई जी। राम राम। राम राम भाई जी। एक बार अपना नाम बता। अनिल प्रेम नगरिया, राइटर। अच्छा अच्छा अनिल जी। हाँ जी। अच्छा अच्छा दिनों में भी आपकी है ना। हाँ। ब्याह रखे होगे? हाँ ब्याह रखे। अच्छा अच्छा चलो भाई, तो मारे तो रिश्तेदारी हो गए। तो भाई देखो, गाना आया ट्रेंडिंग में आया लेकिन डिलीट हो गया, बड़ी दुख की बात है। तो भाई साहब तबीयत कैसी है? अब तो ठीक है, पहले से आराम है। आराम है। अच्छा अच्छा, तो यह शुरुआत कित तो ही, किस तरह तो बेरा लग गया अगला ना कि ये उड़ा जा है और पूरी के बात हो, एक बार बताओ अपने दर्शक। शुरुआत तो मैं यहाँ से, विश्वजीत का फ़ोन आ गया, गाने वाला ऐसे चल रहा था उस टाइम पे, तो हमारी बात हुई कि भाई विश्वजीत बोला चलो खाटू श्याम चलते हैं, तो मैंने स्टेटस डाला था। स्टेटस लगाया था और फिर मैं भाई के वहाँ तो शाम से लग गया था। अच्छा। हाँ, तो शाम हमने एक डेढ़ घंटा तो रहे स्टूडियो में, उसके बाद फिर हम चले रवाना हुए, तब अचानक से 10-11 किलोमीटर ही निकले होंगे आराम तो से, हम निकले थे 10-11। हाँ, सलगाम था तो मीरान की तरफ जा रहे थे, शिवानी की साइड। तो रस्ते में हमारे आगे, अच्छा एक मिनट में, जैसे स्टेटस लगाया आपने भी लगाया, भाई ने भी लगाया, तो के लग गया है इसमें जो अपने जानकार हैं वे उसके? हाँ देखो, फाइनल कुछ नहीं कह सकते, बात कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, किसी से भी पता चल सकता है। हाँ, स्टेटस हम दोनों ने लगाए थे, मतलब नॉर्मली सभी लगाते हैं स्टेटस, जहाँ भी जाते हैं हम, शूट पे जाते हैं वहाँ भी लगाते हैं, पहले भी लगाए हैं। लेकिन गलत है ये, आगे से मैं और भैया ने भी कहूँगा स्टेटस मत लगाया करो ऐसे, जो सबक हमने मिला है और सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं मत लगाया करो। तो हम राजस्थान की तरफ चल पड़े थे, शिवानी साइड। तो रास्ते में हमारे आगे गाड़ी लगाई है उन्होंने, गाड़ी में 10-12 थे, उन्होंने गाड़ी आगे हटा दी, हम खुद उतर के गए थे। हम सोचा कोई यार दोस्त होगा कोई, अब ये तो हमें सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। 7-8 कॉन्ट्रोवर्सी वहाँ से चल रही थी, कॉन्ट्रोवर्सी बिहार में बहुत चल रही है, उनकी विवाद चल रहा है सभी आर्टिस्टों के बीच। और इसमें विश्वजीत भाई मैं कहना चाहूँगा, किसी पर शक है आपने? नहीं नहीं, शक अभी किसी पे नहीं है, हमने रिपोर्ट करा रखी है, सारे काम करा रखे हैं, अभी फाइनल कुछ नहीं है कि कोई कंपनी है, कोई कलाकार है, कोई आम आदमी है बिहार से, कहीं से कुछ नहीं पता हमें, लेकिन रिपोर्ट करा रखी है हमने, जल्द पता चल जाएगा वैसे। लेकिन अभी हमारे सामने मुद्दा ये नहीं है, हमारे सामने मुद्दा ये है कि गाना भी डिलीट हो गया और अभी इंडस्ट्री से हमें साथ भी बहुत मिल रहा है सारे आर्टिस्ट भाइयों का, कलाकारों का, लेकिन मुद्दा ये हो गया हमारा गाना डिलीट हो गया, जो कि गाना नंबर एक ट्रेंडिंग में चल रहा था ऑल इंडिया में, मटक मटक सारा मुद्दा। हाँ, 90 लाख व्यूज हो चुके थे, ऑल इंडिया ट्रेंड कर रहा था। तो बस यह ला लो, किसी का सुहाण नहीं हुई या भाई कुछ भी कर लगा लो, इतना पैसा लगा था गाने पे, गुलशन भाई ने इतना पैसा लगाया था, इतना अच्छा गाना ट्रेंड कर रहा था ऑल इंडिया, अच्छे व्यूज आ रहे थे ऑल इंडिया में, धमाका मचा हुआ था, लेकिन वो डिलीट हो गया। पहला मकसद हमारा है कि गाने को वापस कैसे लाया जाए। हाँ। इसमें भाई साहब आप जैसे कहना चाहोगे कि पहले आपका चोट लगी है फिर गाना डिलीट हुआ है, तो इसका कुछ वो है कि जुड़ा है गाना? हाँ, एक ही है सिस्टम, लेकिन अभी फाइनल फिर भी कुछ नहीं कह सकते, वही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि विवाद वहाँ भी चल रहा है, खेसारी भाई के साथ भी चल रहा है, खेसारी भाई का हमें बहुत साथ मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रही है हमारी। अच्छा, फोन उनके साथ भी हुआ है? हाँ हाँ। अच्छा, तो उनका सपोर्ट मिल रहा है हमें और हम भी उनके साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं, हमारी फ़ोन कॉल से मैसेज से बात कंटिन्यू हो रही है। तो अभी देखिए आगे क्या होता है, मेन तो यही कि गाना वापस आ जाए। हाँ जी हाँ। तो भाई देखो, मैं कहना चाहूँगा जितने भी अपने हरियाणा के कलाकार हैं वहाँ पे, जो जो कलाकार उनका क्या नाम है? खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल। तो भाई देखो,
बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हरियाणा में नहीं है भाई। ये अपनी बहुत बड़ी मतलब छोटी सोच है। आज इन भाइयों के साथ में आया है, कल मेरे साथ भी हो सका है, आपका साथ भी हो सका है। तो गाना डिलीट हुआ तो एक किस्म से बहुत बड़ा आंदोलन हो रखा है वहाँ पे। बहुत ज्यादा हमारे पास भी फोन कॉल्स आ रही है, तो एक आंदोलन की तरह देखा जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारी चीज है, ये हमारा आर्टिस्ट है, ये हमें कुछ सुनने को देता है, हम इनसे हमारा मनोरंजन करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये सभी का काम है, मनोरंजन के टाइम पर सब मनोरंजन भी करे हैं, गेम कोई खिलाड़ी है तो उसका गेम भी देखें, ये मत सोचो हरियाणा वालों की हमारा काम थोड़ी ना है, क्योंकि तुम मनोरंजन भी करते हो यार, ब्याह शादियों में लगा लो और कि मैं कोई भी हंसी खुशी में जो भी म्यूजिक तो हर जगह काम आओ है, दुख में भी लोग सुने हैं, खुशी में भी लोग सुने हैं, तो ये है मेन मकसद। तो एक दूसरे ने भाई जोड़ के रखो और एक दूसरे तक प्रेम बना के रखो। आज इनका साथ में आया है, कल भाई देखो किसी के साथ भी हो सका है, तो सारे भाई एक साथ में आओ और भाई इनका साथ दो। तो इसमें आप जिस तरह विश्व भाई बात करा, जिस तरह गाने की आपने गाया है, तो अपने दर्शकों ने दो लाइन सुना सको। हाँ, गाना ये था, ना चल मटक मटक तू मटका फोड़ के मानेगी, हो ना एड खेच के मारे घुंघरू तोड़ के मानेगी। ये गाना, हाँ तो ये गाना गाया, 4 दिन हुए थे, 5 दिन हुए थे, गाना गाया मैंने है, और म्यूजिक और कंपनी गुलशन भाई की है। गुलशन भाई वत्स रिकॉर्ड के मालिक है, ओनर हैं, इन्होंने अपनी कंपनी में गाना रिलीज किया है। तो बस अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि सारे दुआ करो भाई कि गाना उल्टा आ जाए, और यह और कहूँगा मैं उल्टा आ जाना गाना, तो एक बार जिस कंपनी ने उसने तमाचा मुंह पर मार दिया, एक बार गाना शेयर करके बड़ा कि भाई दोबारा भी हम गाना चला सका। बिल्कुल, हाँ ये मेन मकसद है भाई। हमें भी देखो दर्शक तक कहना चाहवांगे, गाना आन दिए भाई, धुम्मा ठा दियो जमा, और दोबारा फिर आवांगे भाई, दोबारा फिर आऊंगा, गाना आया है कि नहीं आया फिर बुझनाऊंगा भाई मैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मीडिया का बहुत साथ मिला हमें, और आगे भी शायद मिलता रहेगा। हाँ, तो मीडिया ने बहुत साथ दिया, तो मैं पब्लिक ने भी कहूँगा था, हम भी एक बार भाई दिखा दियो कि हाँ जिन्हें गाना डिलीट करवाया था उनको ये दिखा दियो कि हाँ देखो दोबारा भी वही शेयरिंग चल रही है, दोबारा ट्रेंडिंग में ले दियो जी। बस अच्छा कुछ बात हो है, जिस तरह इतना बड़ा आपका झटका लग गया है कई लाख रुपया का, तो जैसे सपना चौधरी से बात हुई हो या फिर हाँ सपना चौधरी से बात होती रही है, वो साथ हैं, बिल्कुल तैयार है। उन्होंने कहा है कि जब भी जहाँ मेरी जरूरत पड़े मेरे को बता देना, जो भी चीज है मैं आप लोगों के लिए पीछे मतलब तैयार हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अभी सब लोग बस गाने का वेट कर रहे हैं, गाना आते ही सब लोग बढ़िया शेयरिंग वगैरह करेंगे जो उसकेगा। तो भाई साहब जो आपके चोट लगी है, कौन कौन आपका साथ दे रहे हैं, किसने पोस्ट करी है, किसने की कही? देखो ऐसे अगर नाम नहीं लिया जाएगा तो देखो किसी का भी लेंगे, किसने नहीं दिया और उसने नहीं दिया तो देखो गलत हो जाएगा। अच्छा। बाकी जो करने वाले हैं, जिन्होंने किया है सपोर्ट उनको पता है, जिन्होंने नहीं किया उनको सब पता है अपना जी जी। हाँ ये तो भाई वो एक कहावत है हरियाणा में, जड़ पर नून छिड़कना। तो पहले तो चोट लगी, फिर गाना डिलीट हो गया, और हमारे साथ एक लेखक भी हैं जो कि बहुत अच्छी राइटिंग भी करते हैं और बड़े गाने भी दिए हैं, तो अनिल भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब जी, जब अपना चटक मटक सॉन्ग रिलीज हुआ था तब भी लोगों का बड़क थी कितना बड़ा कैसे हो गया, अब मटक मटक सॉन्ग रिलीज हुआ है अपना, ये समझो टीजर डाला था, आज भी ट्रेंडिंग में है वो जी जी। 13 नंबर से तो कई दिन हिला ही नहीं, आज शायद वो 19 नंबर पे है और टीजर डलते ही कॉल आनी शुरू हो गई थी कि इसको डिलीट कर दो सॉन्ग को, क्योंकि बड़ा बनाने जा रहा था, उनको पता था कि अच्छा, अच्छा, कॉल भी आई है। हाँ। बहुत ज़्यादा कॉल आई हैं। अच्छा। अलग अलग नंबर से, विदेशी नंबर से आई हैं कॉल, बहुत ज़बरदस्त, मतलब वो दिमाग वो क्या बसड़ नहीं मचा अगर वो होगी थी, लेकिन फिर भी स्टेटस डाल दिया, हमें ये नहीं पता था कि ये काम हो सकता है, ये मारपीट भी हो जाएगी, हम इग्नोर कर रहे थे हम उन सब चीज़ों को। ये था भाई गाना ले लेके या जो आपके साथ मारकत हुई है गाने लेके हुई है भाई साहब, जहाँ तक आप सोचा गाना ही था, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है कि इतना बड़ा गाना मतलब हुआ नहीं था अभी तक, जो कि मतलब 5 दिन में ऑर्गेनिक चल रहा था, दिल्ली के 2 मिलियन व्यूज स्टार्ट हो गए थे और ऑल इंडिया एक नंबर पे था, इंडिया में एक नंबर पे था, उससे ऊपर कोई गाना नहीं था जिसमें बॉलीवुड भी आ गया, पंजाब भी आ गया, भोजपुरी भी आ गया, सब कुछ आ गया, और चारों तरफ से एक हंगामा मचा हुआ था कि कैसे हो गया इतना बड़ा सिस्टम, हरियाणा और भोजपुरी, हरियाणवी और भोजपुरी मिले थे, उसके बाद इतना अच्छा कम्बिनेशन हुआ था, तो किसी को उम्मीद नहीं थी ये हो जाएगा क्या, एक सन्नाटा सा छा गया था, लेकिन गाना का धमाका हो रहा था,
पब्लिक ने गाना बहुत पसंद आने लग रहा, पब्लिक का पूरा प्यार मिलने भी लग रहा है, पब्लिक पूरी फोन आ रहे हैं, सभी की पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है कि हाँ भाई गाना बहुत अच्छा था। लेकिन हाँ हमने जरूर भी रहा, गाना आती है बवाल होगा। और एक बात और बता दूं, इब दुगने व्यू जाएंगे, गाना वापस आ गया ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, पब्लिक वेट कर रही है कब से दोबारा आए, और आ जाएगा पब्लिक। कहना चाहता हूँ आज शायद आज गाना दोबारा आ जाए। तो अगर आप ये जब तक ये अपलोड होगा तो देखियो, तो गाना जरूर देखियो, मटक मटक बस रिकॉर्ड पे गाना आ जाएगा गाना। तो भाई साहब केला गया, जिस तरह जो भी फेमस हो है कलाकार उसके साथ में यह एक हरकत हो है, तो इसके बारे में कुछ कहना है? देखो ये चीजों के बारे में तो नहीं बोल सकते कुछ, फेमस वाली कोई बात नहीं, ऐसा कि पर्सनल कलाकार फेमस होता है। देखो ऐसा होता है, जो फेमस होता है उसके साथ कोई वारदात होती है तो वो सबके सामने आ जाती है, और जो फेमस नहीं है मान लो आम आदमी जो भी है मतलब कि उनके साथ होती है, सबके साथ होती है, वो बेचारे चुप होकर बैठ जाए, उनका आगे कोई मतलब की सपोर्ट नहीं होता किसी चीज का, इसलिए वो दिखाई नहीं देती, बस ये चीजें हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। हर आदमी सेम है, समाज के प्रति सब सेम है जी। तो भीतर कुछ डर है भाई साहब की? डर वर कुछ नहीं है, खुले अंडा, हाँ कोई चक्कर नहीं, डर किसी का होता को डर कोई चक्कर नहीं, डर तुम्हें तो लिगड़े आए हम डर मांगे तो लिगड़े लिए, डर गाना का था मेन मकसद, गाना फटाफट बस, फिर हम देख लेंगे सिस्टम के है के नहीं है, लेकिन अभी तो हमारा पूरा फोकस गाने की तरफ है कि गाना वापस आ जाए। हाँ गाना नहीं आया तो डर है, अदरवाइज इनका कोई डर नहीं है। तो लास्ट में अपने दर्शकों ने क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं यह कहना चाहूंगा बस, ईब तो फिलहाल ये है कि बहुत बड़ा गाना है, बहुत मेहनत बना रखे हमने, दिन रात एक करके 3 महीने हमने लागे थे इस गाना बनाने में, और तार खतरे बनाया तमें सुनो, तो आज गाना आएगा बस रिकॉर्ड पे, तो मटक मटक नाम है गाने का, गाना बस रिकॉर्ड पे आज आएगा, तो एक बार दिखा दियो सब ने कि भाई यो हरियाणा है और यो काम कर सका, हमें एक बार शेर मार दियो जितना जोर लगा के, बस यही कहना चाहूंगा सब ने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाना होगा भाई बहुत जल्द, और मटक मटक नाम है, एक बार पोस्टर दिखा दो गाना का, एक बार लास्ट पोस्टर। अच्छा अच्छा हाँ पोस्टर दिखाओ भाई, एक बार कैमरामैन देखूंगा ताकि बेरा भी लाग जा। तो दोस्तों आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो यो गाना है भाई, और बहुत जल्द आपके बीच आओगा, और शेर मार दियो इसने दबा के ताकि भाई 90 लाख तक 180 लाख हो जा है भाई, आंधी हो जा। चलो चलो भाई उड़े जी। तो यह वीडियो आपने किसी की लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो, और भी वीडियो आप तक दिखाते रहेंगे बनाते रहेंगे, देख दे रही हो अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।